जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्रिस्त जीवन की मूल धरोहर प्रेम पर टिकी हुई है। ईश्वर ने हमें प्रेम से बनाया और जब ईश्वर का प्रेम प्रमाणित हुआ उसने हम सबको सब चीज़ों पर अधिकार दिया और इसी कारण वह भी हमारे ऊपर अधिकार रखता है। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु हमें निवेदन नहीं करते बल्कि आदेश देते हैं कि हम भी एक दूसरे को प्यार करें। और ऐसा करने के लिए प्रभु हमें क्यों प्रोत्साहित करते हैं? हम सब जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि प्रभु ने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है। हम सब प्रभु की रचना है, हमें प्रभु ने प्रेम से बनाया है और वह चाहता है कि जैसे उसने हमें प्रेम से सब कुछ दिया है हम भी लोगों तक उसी प्यार को पहुंचा सकें। हम ईश्वर के हाथ की कलम बनकर उन लोगों तक खुशियां पहुंचा सकें, प्रेम पहुंचा सकें जो दुखी हैं, जिनको दिलासे की ज़रूरत है। और ईश्वर के अच्छे शिष्य बनते हुए हम प्रभु के इन अनुदेशों का पालन करें, क्योंकि हम याद करें कैसे प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया है। एक सुंदर गीत है जिसे हम बार बार गाते हैं, प्यार करना यीशु से सीखो, देखो ये क्रूस बताए। इसी का जो उदाहरण बाइबल में यूहन्न का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसकी मुक्ति के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी प्रेम की धरोहर पर प्रभु हमारे जीवन को भी आधार बनाने के लिए बुलाता है। यूहन्न का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27 में प्रभु का वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ, वह मेरा अनुसरण करती है। क्या हम सचमुच में प्रभु का अनुसरण करते हैं? ये एक प्रश्न हम सबों के लिए विचार विमर्श के लिए है, क्योंकि अगर हम कहते हैं हम प्रभु का अनुसरण करते हैं तो हमें चाहिए कि प्रभु जैसा हमें बताते हैं हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम सचमुच में प्रभु के उस वाक्य को नहीं मानते। इसलिए यूहन्न का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 में भी वचन ऐसा कहता है कि अगर हम कहते हैं हम प्रभु को प्यार करते हैं और अपने पड़ोसियों को प्यार नहीं करते तो हम झूठे हैं। ऐसे में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें याद रखना है कि हमारे क्रिस्त जीवन की नींव प्रेम है और यही हमारे जीवन का आधार है। तो हमें भी सीखना है कि कैसे प्रभु ने अपना सब कुछ सर्वस्व हम सबों के लिए दे दिया। तो क्या हम अपने प्यारे प्रभु के इस निर्देश का पालन नहीं कर सकते? तो आज प्रभु इसीलिए हमें बुलाते हैं कि हम हमारे जीवन में अपने आप को संपूर्ण प्रेम से ढाल लें, क्योंकि जब हम प्रेम करते हैं प्रेम हमें भी दिया जाता है। क्योंकि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, हर एक व्यक्ति के जीवन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेम से ही हम सभी अपना जीवन जीते हैं। और जिसके जीवन में प्रेम नहीं होता वह अकेलापन महसूस करता है, दूरियां महसूस करता है, एक प्रकार से समाज से बहिष्कृत अपने आप को समझता है। और यही नहीं होने के लिए प्रभु ने हमें प्रेम का मार्ग सिखाया है। तो क्या हम प्रेम से जीने को तैयार हैं? क्या हम दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हैं? क्योंकि जब हम प्रेम करना शुरू करते हैं तो उसमें कई सारे बलिदान हमें देने होंगे, अपने आप को भी छोटा बनाना होगा। और यही प्रभु ने किया, विनम्र बनकर लोगों की सेवा की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये उचित समय है कि प्रभु ने हमें जो सिखाया है हम उसको सीखें और अपने जीवन में अपनाएं। और जब हम प्रभु के प्रेम से परिपूर्ण हो जाते हैं हम सब कुछ में प्रभु के प्रेम को ही देखते हैं। आइए प्रभु से प्रेम करें और ईश्वर की आशीष हमारे लिए मांगें, ताकि हम इस प्रेम से परिपूर्ण होकर लोगों की सेवा कर सकें। आमीन।